हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग सभी। तो काफ़ी टाइम से हम इस बात का वेट कर रहे थे कि कब हमारी जो राजस्थान RBSE जो बोर्ड है वो जो न्यू सिलेबस है उसको अपलोड करें, ताकि जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो उसको फाइनली इन्होंने अपलोड कर दिया है, ऑफिशियली बता दिया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो भी रिड्यूस था, जो कह रहे थे अपन 40% मतलब कि रिड्यूस हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो इन्होंने डिलीट किया भी है, तो इसको अपलोड भी कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप भी खुद से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे लेफ्ट साइड में फोर्थ नंबर पे अनुदेशिक का, यहाँ पे पाठ्यक्रम वाला, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th यहाँ पे और फोर क्लासेस का यहाँ पे दे रखा है। तो मैं अगर यहाँ पर 10th क्लास का अगर डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है। बाकी आप भी कर सकते हो, अगर 9th क्लास का करना है आपको या फिर 11th का देखना है, अगर आप 12th क्लास से हो तब भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमारे जो 10th क्लास है उसके अंदर क्या क्या यहाँ पर डिलीट किया है और क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए देखो, एक बार ये फाइल डाउनलोड है, ये हो गई हमारे डाउनलोड हो गई। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले बताया गया यहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट को लेकर। तो हिंदी सब्जेक्ट में क्या बताया गया है यहाँ पे कि जो आपका पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का रहने वाला है। जो ओवरऑल जो मार्क्स रहेंगे आपके 100 के रहेंगे, जिसमें 80 मार्क्स का पेपर और 20 मार्क्स स्कूल से जाएंगे, वैसे ही है पहले जैसा ही। और अगर हिंदी में यहाँ पे बात की जाए खंड फर्स्ट में, तो अपठित बोध, जो अपठित बोध के अंदर जो अपठित पद्यांश है इनको रखा गया है, 6 मार्क्स के हैं ये आपके। और रचना के अंदर निबंध लेखन है आपके, पत्र लेखन भी है आपके, इस बार आपको देने पड़ेंगे, एग्जाम में आएंगे आपके ये, है ना, कार्यालय पत्र, व्यवसाय पत्र, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। व्याकरण की बात की जाए बच्चों, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये चारों ग्रामर के टॉपिक आपके रहेंगे इस बार। और पाठ्यपुस्तक की बात की जाए तो 48 मार्क्स के हैं आपके, जिसके अंदर मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं आपके। ये देखो भारतेंदु हरिचंद्र वाला, ये एक अद्भुत अपूर्व स्वपन, ईद का, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध, कृतकों का खंडन, आखिरी चट्टान, इसिया तू न गई मेरे मन से, तो ये चैप्टर रखे गए हैं बच्चों। सड़क सुरक्षा वाला शिक्षा, ये भी चैप्टर आपके रखा गया है। अगर काव्य की बात की जाए तो ये वाला जो सूरदास वाला जो चैप्टर है, मुझे तो श्याम कौन तू गौरी वाला चैप्टर ये रखा गया है। ये परशुराम संवाद ये भी रखा गया, प्रभो रखा गया है, अभी ना होगा मेरा अंत मातृवंदना ये रखे गए हैं आपके, झांसी की रानी, कल आज, कल और आज, उषा की लाली, ये आपके चैप्टर रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, हटाया क्या गया है वो देख लेते हैं अपन क्लियर कट। तो हिंदी के अंदर अगर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी बच्चों आप देख सकते हो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग। तो ये सारा ऑफिशियल बता रहा हूँ मैं, सारा ऑथेंटिक है, ठीक है, आप इस पर पूरा ट्रस्ट कर सकते हो मेरी इस वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पर जो व्याकरण है, व्याकरण में जो हटाया गया है वो है अपठित गद्यांश। देखो बच्चों, अपठित गद्यांश हटाए गए हैं और पद्यांश को रखा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको यही डिफरेंस है यहाँ पे। और व्याकरण की बात की जाए तो व्याकरण में भी काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर रिमूव कर दिए। क्रिया की बात की जाए, विश्लेषण की बात की जाए, कारक की बात की जाए, काल की, अभी वाच्य की बात, ये 5 जो व्याकरण वाले टॉपिक हैं इनको हटा दिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो चैप्टर है, चैप्टर में से क्या क्या हटाए हैं बच्चों, काव्यकरण की बात की जाए तो इसमें से ऋतु, वर्ण, पायनी, नुपुर, है ना, ये वाले जो चैप्टर है, चाहे फिर राजियारा, सोठा, कन्यादान, ये वाले चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं इस बार। और इसके अलावा गद्यकंड की, इसकी बात की जाए तो इसमें अमर शहीद, लोक संत दादू दयाल वाले जो चैप्टर है, लोक संत पीपा वाला चैप्टर, लैंगिक असमानता एवं महिला उत्पीड़न, ये वाले चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए इस बार। अब इसके बाद बच्चों बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर हम देख लेते हैं, इसमें भी टोटल 100 मार्क्स का है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हो मार्क्स कितने कितने बेसिस पे, 14 रीडिंग के, 14 राइटिंग के, 15 ग्रामर के, और गोल्डन एज के 23, और इसके 10, और बाकी रोड सेफ्टी के 4 मार्क्स। तो इसमें जो चैप्टर आपके रिमूव किए गए, मैं वो डायरेक्ट वो बता देता हूँ। पैसेज में देखो आपके क्या रखा गया, यहाँ पे अनसीन पैसेज रखे गए आपके, 2 अनसीन पैसेज है आपके, इस चीज़ का ध्यान रखना है इसके अंदर। और राइटिंग के अंदर आपके लेटर राइटिंग है आपके, राइटिंग शॉर्ट पैराग्राफ ये भी आगे है आपके, कंपोजिशन वाला ये भी पोर्शन रखा गया आपके, जिसमें आपको पिक्चर अगर कोई भी देखा दिया जा सकता है जिसमें आपको लिखना होगा आपको। ग्रामर में जो टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर जो टॉपिक, ए वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन्वॉल्व द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विद इन अ कॉन्टेक्स्ट, टेस्ट टाइप यूज विल इंक्लूड ए क्लॉज, गैप फिलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब ऐसे टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर आपको करना क्या होंगे, ग्रामर के टॉपिक कौन कौन से हैं देखो रखे गए हैं इस बार, यानी इट मीन्स आपका टेंस आने वाला है बच्चों पूरा, टेंस में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, और एक्टिव पैसिव वॉइस भी रखा गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहे हैं आपके, मॉडल भी आ रहे हैं। तो ग्रामर के आपके सारे टॉपिक है, लगभग कुछ ही नहीं हटाया मुझे लगता है। और चैप्टर की बात की जाए तो डायरेक्ट मैं उस पर आ जाता हूँ कि क्या क्या रिमूव किया गया है, देखते हैं अपन। तो यह है बच्चों डिलीटेड चैप्टर फॉर एग्जाम 2021। तो कौन कौन से चैप्टर रिमूव किए गए,
अगर टेक्स्ट बुक फर्स्ट की बात की जाए गोल्डन रेज वाली बुक्स में से, तो उसमें सेकंड नंबर चैप्टर, फिफ्थ नंबर चैप्टर, सेवंथ नंबर, इलेवंथ नंबर और पॉइंट नंबर 4, इनके नाम भी देख सकते हो, नाम लिखे हुए साथ सामने, तो इनको देख के आप क्रॉस कर सकते हो आपकी बुक के अंदर ये चैप्टर रिमूव कर दिए, ओके, ये आपको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। और टेक्स्ट बुक रेजुलेशन की बात की जाए तो इसके अंदर थर्ड चैप्टर, फिफ्थ, सेवंथ और टेंथ, ये फोर्थ चैप्टर हटा दिए, जिसका नाम भी आप देख सकते हो, ग्रोविंग अ पेन, पर्पल पार, पर्पल जार, ये आप हटा सकते हो, हाय महाराजा, इन चैप्टर को रिमूव कर दिया है। अब इसके बाद में बच्चों हमारी बहुत ही प्यारी चैप्टर, मेरी फेवरेट जो विषय सब्जेक्ट है विज्ञान, तो इसके अंदर से क्या रिमूव किया है देखते हैं अपन। तो अगर इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दे रखा है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो बच्चों तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लिए क्या क्या यहाँ पर रखा गया है। तो इकाई जो फर्स्ट है उसके अंदर इंग्लिश मीडियम वालों, आपके आगे भी मैं बताऊंगा अभी, है ना, हिंदी मीडियम वालों को बता देता हूं मैं कि जो अध्याय फर्स्ट है इसके अंदर आपके जो फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट रखा गया। तो यहाँ पर मार्क्स में करेक्शन है, यहाँ पे पहले ये लास्ट ईयर ये 4 मार्क्स का था, बट अब इंक्रीज करके 5 मार्क्स का हो गया है और चैप्टर आपका कंप्लीट रहने वाला है। सेकंड वाला जो चैप्टर है देखो, इसके अंदर पाचन तंत्र, श्वसन और रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, जनन, यानी इसके अंदर दो तंत्र इसके अंदर कम कर दिए, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, मैं बताऊंगा लास्ट में। और अनुवांशिकी, ये चैप्टर पूरा रखा गया है, आपके मार्क्स भी सेम ही है आपके, फोर्थ चैप्टर भी पूरा रखा गया, कुछ भी नहीं हटाया इसमें से। और अगर केमिस्ट्री की बात की जाए बच्चों, वो बायोलॉजी का पोर्शन था, अब केमिस्ट्री की बात की जाए रसायन विज्ञान की, तो इसके अंदर फिफ्थ वाला चैप्टर कंप्लीट है, ये रखा गया, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ इसमें से। और ध्यान रखना यहाँ पे एक यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये चैप्टर लास्ट ईयर ये बच्चों 4 मार्क्स का चैप्टर था, बट अब ये 9 मार्क्स का चैप्टर हो गया, यानी प्लस 5 मार्क्स इंक्रीज हो गए, तो समझ सकते हो कंटेंट वो ही है लेकिन मार्क्स इंक्रीज गए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा इस बार ये आपके लिए। और सिक्स चैप्टर को भी कंप्लीट रखा है आपके, इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया। तो ये वाले चैप्टर बच्चों, दो केमिस्ट्री के चैप्टर हटा दिए यहाँ से, सेवन चैप्टर और एट चैप्टर यहाँ से कंप्लीट रिमूव कर दिए यहाँ से। और लाइट वाला जो प्रकाश वाला चैप्टर है इसके अंदर भी कुछ टॉपिक यहाँ पर हटा दिए, मैं बताऊंगा आपको। और टेंथ वाला फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स चैप्टर के अंदर टेंथ वाला विद्युत धारा वाला चैप्टर यहाँ से हटा दिया है। और इलेवंथ चैप्टर में तो काफ़ी सारे टॉपिक यहाँ पर कम कर दिए, सिलेक्टेड टॉपिक है और 7 मार्क्स से बच्चों, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा अपने लिए ये, 5 मार्क्स का चैप्टर है ध्यान रखना, 2 मार्क्स इंक्रीज कर दिए, काफ़ी सारा पोर्शन इसमें से रिमूव कर दिया इन्होंने, हटा दिया। और 12 चैप्टर ये कंप्लीट है आपके, 13 चैप्टर से यहाँ से हटा दिया बच्चों, कंप्लीट हटा दिया आपके। और 14 चैप्टर ये आपके रखा गया है, 15 चैप्टर भी रखा गया है, 16 कंप्लीट रिमूव, 17 कंप्लीट रिमूव, और 18 ये 18 रखा गया है, और 19 चैप्टर भी रखा गया है, और इसके अलावा 20 चैप्टर हटा दिया। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर जो बच्चों कंप्लीट हटा दिए यहाँ से, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो एक तो हो गया आपके यस सेवन्थ एट्थ, 2 चैप्टर ही हो गए, सेवन्थ एट्थ टेन थर्टीन, यानी सेवन्थ एट्थ टेन और थर्टीन, एट था या सेवन एट टेन इलेवन, इसमें टेन है ना, 7, 8, 10 और इसका 13 के इसके अलावा 16 और 17, यानी कि जो 6 चैप्टर तो बच्चों कंप्लीट रिमूव कर दिए आपके, तो काफ़ी कुछ इसमें कम किया है साइंस के अंदर अपने सब्जेक्ट में। तो ठीक है, अभी के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए कोई बात नहीं। तो अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्या क्या आपके बाकी चैप्टरों से भी रिमूव किया है। जो सेकंड वाला चैप्टर है बच्चों, मानव तंत्र वाला चैप्टर, तो इस चैप्टर के अंदर अगर अपन देखें मानव तंत्र के अंदर जो तंत्रिका तंत्र वाला है, जो आपका ब्रेन वाला दिमाग वाला जो पोर्शन है उसको हटा दिया, और अंतस्थावी तंत्र को हटा दिया, सेवंथ चैप्टर कंप्लीट हटा दिया, और एट्थ वाला चैप्टर भी कंप्लीट हटा दिया आपके, कार्बन है उसके प्रायोगिक वाला चैप्टर, और नाइन्थ वाले चैप्टर में ये 2 टॉपिक हटा दिए, नेत्र दृष्टि दोष है उनका निराकरण ये हटा दिया यहाँ से, वो विद्युत धारा चैप्टर ये पूरा चैप्टर हटा दिया, और 11th वाला चैप्टर बच्चों इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक हटा दिए बच्चों आपके, बड़े बड़े टॉपिक सारे हटा दिए, ऊर्जा हटा दिया है, ऊर्जा के प्रकार के हटा दिए है, यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा सबको हटा दिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये भी हटा दिया, ऊर्जा कस है ये हटा दिया, ये भी हटा दिया कम करने के उपाय, तो काफ़ी कुछ हटाया। 13 चैप्टर कंप्लीट रिमूव, और 16 कंप्लीट रिमूव, 17 कंप्लीट रिमूव, और 20 ये भी कंप्लीट रिमूव। इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं बच्चों उनको लिए मैं बता देता हूँ आपको, तो इसके अंदर आपका देखो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है रहने वाला है, सेकंड चैप्टर में से रिमूव किया है, इसमें डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, ब्लड, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टरी ये तो रखा गया है, लेकिन जो इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम है उसको हटा दिया यहाँ से, नर्वस सिस्टम आ गया और एंडोक्राइन वाला सिस्टम आ गया, मैं अभी लास्ट में बता देता हूँ आपको।
तो जो कंप्लीट चैप्टर हटा दिए, पहले आप वो टिक लगा लो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ रखा गया है, यहाँ फिफ्थ चैप्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मार्क्स का कर दिया आपके, यह पहले 4 मार्क्स का था, अब 9 मार्क्स का, सीधे +5, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके लिए, और 6 चैप्टर भी रहने वाला है, 7 चैप्टर बच्चों कंप्लीट रिमूव हो गया, 7 चैप्टर कंप्लीट हटा दिया, 8th वाला भी कंप्लीट हटा दिया है, और 10th वाला चैप्टर भी कंप्लीट हटा दिया है ना, तो ये 10th वाला चैप्टर, और 11th में से काफ़ी सारे टॉपिक कम कर दिए यहाँ पे, 12th, 13th चैप्टर भी हटा दिया यहाँ से, तो 13th चैप्टर 7, 8, 13 4 चैप्टर हो गए, और इसके अलावा 16 ये देख सकते हो आप लोग, 16, 17 भी, 16 और 17 ये भी हटा दिए इन्होंने, तो 16, 17 और 20 और है, तो 16, 17 और 20 देखो बच्चों कितने चैप्टर हटा दिए आपके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 चैप्टर हटा दिए बच्चों, और इसके अलावा कई सारे में से टॉपिक भी हटा दिए, मैं बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक हटाए अभी देखते हैं अपन, तो ये देख सकते हो डिलेक्टेड एग्जाम, देखो सेकेंड चैप्टर से क्या हटाया यहाँ पे, नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम हटा दिया, ब्रेन वाला पोर्सन एंडोक्राइन ग्लैंड वाला सिस्टम हटा दिया यहाँ से, 17 चैप्टर कंप्लीट रिमूव, 8 चैप्टर कंप्लीट रिमूव, और 9 चैप्टर में से भी टॉपिक रिमूव किया, डिफेक्ट इन आई विजन एंड डियर करेक्शन आई से रिलेटेड वाला पोर्शन हटा दिया, और 10th वाला तो कंप्लीट रिमूव, 11th वाले चैप्टर में से बच्चों काफ़ी सारी चीज़ें हटाई है यहाँ पे फिजिक्स वाले से, मुझे बहुत दुख हो रहा है क्योंकि फिजिक्स मेरी फेवरेट रह गई है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था इस चैप्टर को पढ़ाने में, पर कोई बात नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी, आपके लिए टाइम भी कम था आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं, तो एनर्जी हटा दिया, टाइप्स ऑफ एनर्जी हटा दिया, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हटा दिया, रिड्यूसिंग एनर्जी डिसिपेशन ये भी हटा दिया आपके, 13 कंप्लीट रिमूव, 16 कंप्लीट, 17 कंप्लीट, 20 कंप्लीट, अपने तो बहुत रिमूव किया है बच्चों साइंस बताओ। चलो SST की बात की जाए तो बच्चों SST में यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं दिया है, आपको सीधा हिंदी में दिया है, तो आपको जो भी इंग्लिश मीडियम से आपको इसी से यहाँ पे देखना पड़ेगा, आपके जो टीचर हैं वो और अच्छे से बता पाएंगे आपको, तो आपके इसके अंदर देखो कंप्लीट चैप्टर की अगर बात की जाए तो फर्स्ट तो अभी रखा है, सेकंड भी रखा है, थर्ड आपके जो इसके अंदर है ना पूरे चैप्टर यहाँ से रिमूव नहीं किए, यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक रिमूव किए, वैसे इसमें से एक चैप्टर है जो बच्चों कंप्लीट हटा दिया यहाँ पे, 13th वाला, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और इसके अलावा एक 17th वाला चैप्टर भी बच्चों हटा दिया है, 13th है 17th, और बेस बच्चों ये 2 चैप्टर है जो कंप्लीट हटाए, बाकी हाँ काफ़ी सारे टॉपिक हटाए, चैप्टर कंप्लीट नहीं हटाए, काफ़ी सारे टॉपिक रिमूव किए, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर देखो ये टॉपिक हटा दिए, महाजनपद वाला, राजस्थान के प्रमुख जनपद, सोंगवंश, सातवन वंश, पाल, राष्ट्रकूट, ये आप देख सकते हो पूरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, आप देख सकते हो अच्छे से क्या क्या यहाँ पे रिमूव किया गया है, तो बस 2 चैप्टर आपके कंप्लीट रिमूव किए हैं, तो आप इसकी ले लेना आप PDF, और 13 चैप्टर आपको बताया मैंने कंप्लीट रिमूव कर दिया। इसके बाद में बच्चों अगर बात की जाए आपके, इसको भी देख लेना आप लोग आराम से यहाँ पे, ठीक है ये, और इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट की अब बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाली है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में बच्चों ऐसे कंप्लीट चैप्टर बहुत ही कम रिमूव किए हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो इसके अंदर देखो कौन कौन से भाग यहाँ पर हटा दिए हैं, तो इसमें क्या क्या हटाया है बच्चों देखो, अब इसमें से अगर आप इंग्लिश मीडियम में दे रखा है मैथमेटिक्स में, पहले हिंदी मीडियम में बता दूँ आपके, तो जो फर्स्ट चैप्टर है बच्चों इसके अंदर जो टॉपिक हटाए हैं आपके वैदिक गणित में से, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, जो समीकरण जो थी ना उसके अंदर समीकरणों को हल करने में जो वैदिक पद्धति जो समीकरण सरल की जा रही थी, हल की जा रही थी, उसको उस टॉपिक को हटा दिया यहाँ पे, और सेकंड चैप्टर तो कंप्लीट हटा दिया यहाँ पे, रियल नंबर वाला चैप्टर वास्तविक संख्या वाला, इस चैप्टर को कंप्लीट हटा दिया आपके, और जो थर्ड वाला जो एक्सरसाइज है बच्चों उसके अंदर आपके जो बहुपद वाला है ना पॉलिनोमियल, इसके अंदर क्या हटाया आपके वास्तविक गुणों गुणकों वाले बहुपद पर भाग, एल्गोरिथम ये वाला हटा दिया, LCM महत्वम SCM वालों को हटा दिया, और 2 चरों वाली रेखीय समीकरणों को हटा दिया यहाँ पे, n पदों के मानक परिणाम को निकालने की विधि जो समांतर श्रेणी वाला चैप्टर है इसमें से ये वाला, n पदों के योग वाले को हटा दिया यहाँ पे, और 4th चैप्टर के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर जो त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है उनको हटा दिया यहाँ से, त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों के अंदर पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को हटा दिया यहाँ पे, और 5th चैप्टर के अंदर जो आंतरिक विभाजन सूत्र त्रिभुज का क्षेत्र, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है ना आंतरिक विभाजन द्वारा, उसको हटा दिया यहाँ पे ज्यामिति के अंदर,
और जो सिक्स वाला जो बिंदु है संगामी रेखाओं में, त्रिभुज के संगामी बिंदु वाला हटा दिया, परिक्रमी अंत के अंदर लंब के अंदर वाला इन टॉपिक को हटा दिया यहाँ पे। और समरूप त्रिभुज वाले हैं बच्चों, यहाँ पे जो प्रमेय हटाई गई, यहाँ पे एक तो प्रमेय ये वाली, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समरूप की, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी को हटा दिए। और समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय को उसको भी हटा दिया यहाँ पे, बोधायन प्रमेय को यहाँ पर हटा दिया गया, ठीक है। और व्रत के अंदर चक्रीय चतुर्भुज को, व्रत की स्पर्श से संबंधित प्रमेय जीवा, एकांत व्रतखंड के कोण, इनको यहाँ से हटा दिया है। और ज्यामिति के अंदर इसमें आपके दो वर्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं को, इनको हटा दिया है। रचना वाला त्रिभुज अंतर्गत है प्रमेय व्रत की रचना, इसको हटा दिया है। सेवन चैप्टर के अंदर बच्चों व्रत खंड है, इनको हटा दिया है। व्रत खंड और तीर्थ खंड का क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको यहाँ से हटा दिया है। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, आयतन एवं एक प्रकार के ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, ये भी हटा दिया है। और बहुलक वाले पोर्शन को, इसको हटा दिया यहाँ पे, सांख्यिकी में बहुलक को हटा दिया है बस यहाँ पे। और ये मार्क्स आप देख सकते हो कौन सा चैप्टर कौन कौन से मार्क्स का, यहाँ पर पूरा कंप्लीट बता रखा है, ठीक है। अब इसके बाद में बच्चों बात की जाए आगे, अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूँ बच्चों, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आप देख सकते हो जो फर्स्ट वाली जो एक्सरसाइज आपके वैदिक मैथ, वैदिक मैथ के अंदर वो क्वेश्चन जिसके अंदर सॉल्यूशन निकाला जाता है इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन का वैदिक मैथ के थ्रू, तो वो हटा दिया है। सेकेंड चैप्टर कंप्लीट रिमूव पॉलिनोमियल रियल नंबर वाले को, और पॉलिनोमियल के अंदर जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो वाले जो क्वेश्चन है उनको हटा दिया यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हटा दिया यहाँ पे सेकेंड वाले में। और थर्ड वाले चैप्टर के अंदर है ना ये वाला टॉपिक हटा दिया, थर्ड वाले चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक हटा दिए बच्चों, एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को हटा दिया, ये चैप्टर भी बड़ा है आपके थर्ड वाला चैप्टर है ना, इसलिए काफ़ी सारे, तो ये थर्ड वाले चैप्टर से हटाया है, ये फोर्थ वाले चैप्टर में से हटाया है, ये फोर्थ वाली एक्सरसाइज है ना ऐसा है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज, ये सेकेंड, ये थर्ड एक्सरसाइज, ये फोर्थ एक्सरसाइज, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। तो फोर्थ एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हटा दिए, फिफ्थ वाले में सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूशनल एक्वाडिक इक्वेशन इनको हटा दिया, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स, जो सम वाला है ना, सम वाले एंड टर्म्स वाले सम को हटा दिया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं वो हटा दिया। और इसके अलावा कुछ थ्योरम हटाइए बच्चों ट्रायंगल वाले एक्सरसाइज के अंदर, कौन कौन से, एक तो रेशिया, एरिया का रेशिया कैसे, मतलब जो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया होता है ना उनके रेशियो को हटा दिया यहाँ पे इस वाली, और ये आप देख सकते हो। और सर्कल में कुछ भी डिलीट नहीं किया यहाँ पे, सर्कल वाला चैप्टर पूरा है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके जो सिमिलर ट्रायंगल को कैसे यहाँ पे बनाया जाता है उसको हटा दिया। और सिक्स्थ वाले में ये टॉपिक हटा दिया आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस वाले में कुछ भी नहीं हटाया यहाँ पे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें जो भी सेंट्रल एंगल से 120 एंगल तक जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हटा दिए। और फ्रस्टम हो पे कौन वाला, इसको हटा दिया है। और स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया है यहाँ पे आपके, और प्रोबेबिलिटी पूरा रखा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स का रहा है बच्चों, ये सिलेबस आप देख सकते हो क्या क्या रखा गया है। और इसके बाद में अगर बात की जाए तृतीय भाषा संस्कृत के अंदर, तो संस्कृत के अंदर बच्चों अगर देखा जाए तो ये चैप्टर आपके, मैं सीधा बता देता हूँ आपको क्या क्या हटाया गया आपके, तो ये हटाया गया भाग है देखो पट्टी था, इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर पार्ट कौन कौन से हटाए आपके, एक तो प्रथम पार्ट हटा दिया आपके, द्वितीय पार्ट हटा दिया, पंचम पांचवा पार्ट हटा दिया, सातवा पार्ट हटा दिया, नौवा पार्ट हटा दिया, और चौदहवा पार्ट है ना 14 चैप्टर हटा दिया आपके। ये चैप्टर के नाम भी लिखे हुए इनको भी देख सकते हो आप लोग, तो गलत चैप्टर को क्रॉस मत कर देना। और जो भी अपठित बोधनम वाले उनको हटा दिए, इसके अंदर क्या है ये वाला पोर्शन हटा दिया। व्याकरण के अंदर क्या क्या हटाया बच्चों आपके, ये देख लो आप कि स्वर संधि हटा दी है, व्यंजन संधि, समास, प्रत्यय, अव्यय, पदानि, तो संस्कृत में काफ़ी सारे व्याकरण के टॉपिक हटा दिए यहाँ पे बिल्कुल। और रचनात्मक कार्यक्रम के अंदर क्या कर दिया, चित्रधारित चित्र को देख के जो वर्णन करना था ना वो हटा दिया, कथाक्रम वाले को हटा दिया यहाँ पे। और वैसे ही है, अगर आप उर्दू है, अगर आपके सब्जेक्ट तो उर्दू में भी आप देख सकते हो क्या क्या हटाया गया यहाँ पे, ये टॉपिक हटाए आपके, तो चैप्टर हटा दिए गए। एक तो ये वाला चैप्टर अपनी मदद आप, ये वाला बेगम हजरत महल, हुब्बुल वतनी, किस्सा मियाँ एटम का, ये हटा दिए गए चैप्टर। और इसमें से भी नजम में से भी हटा दिए गए, ये फर्स्ट, थर्ड, सेवन, नाइन्थ, इनको आप देख सकते हो, और टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ, इनको हटा दिया गया है।
बाकी गुजरात के तीन का अपना काम नहीं है अपना, ठीक है, बस यही है बच्चों। तो आई होप आपने काफ़ी को समझा होगा, काफ़ी को जाना होगा। तो अब आपको सिलेबस आपके पास में आ गया, तो अब अपन को डट कर अच्छे से रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। तो अब आपके पास में कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अब आपके पास में सब कुछ है। तो और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको WhatsApp ग्रुप के अंदर डाल दूंगा मैं, और आपको लिंक में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो और बच्चों अगर